हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। हेयर इज गुरजोत कौर और आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की थी मेरे कॉलेज की, तो उसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि उसकी फ़ीस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे प्रोवाइड होती हैं। तो उसी बेसिस पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आपके डिमांड पे मैंने ये सारा नोट कर लिया और एक एक करके आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली मीट हिम, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉयज, आई कांट बेयर इन डिस्टेंस फ्रॉम हिम, इट्स टू क्यूट। मूविंग इन टू द डिटेल्स ऑफ माई कॉलेज, इट्स फुल नेम इज़ भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और इसका एड्रेस है पटियाला रोड संगरूर पे, बिल्कुल मेन रोड पे पड़ जाता है पटियाला रोड संगरूर में। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट कूल एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ एंड पटियाला यूनिवर्सिटीज, बट अगर मैं संगरूर वाइज बात करूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जिन जिन का मेरे को थोड़ा आइडिया है वो मैं आपको बताते जाती हूँ। ओके, इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हमारे कॉलेज में, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और एक फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा बना हुआ, आई लव BGGI का, वो मैं साथ में आपको पिक्चर दे दूंगी। पार्किंग के लिए भी प्रॉपर अवेलेबल है सिस्टम सारा। सुखम मेमोरियल लाइब्रेरी मिल जाती है, उसमें क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सारी बुक्स रखी हुई है एक्सेप्ट द मेडिकल फील्ड, क्योंकि मेडिकल फील्ड का सारा लाइब्रेरी और कैंटीन सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि नर्सिंग का थोड़ा हो जाता है ना, स्टडी के लिए स्ट्रिक्टनेस होती है थोड़ी सी। तो सेकेंडली मैं बात करूँ फीस के सिनेरियो की, फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमाज होते हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड हो जाता है, और BTech की फीस है जो अराउंड 4-5 लाख है प्रॉपर कोर्स की। मैं अपने BSc नर्सिंग की बात करूँ तो उसमें क्या था, 75,000 पर ईयर था, 4 साल थे हमारे BSc नर्सिंग में। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लाइक कभी यूथ फेस्ट या फिर लाइब्रेरी का 550 का कुछ कार्ड वगैरह होता है हर साल, या फिर और सारे ड्यूज क्लियर करने होते हैं, तो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्डिंग हमें ट्रेनिंग लगानी होती है तो उसका PG का भी हमारा खुद का रेंट होता है, वो इंटर्नशिप में इंक्लूड नहीं होता है। अदरवाइज 75,000 के अलावा कोई भी ट्रेनिंग में हमें चार्जेस नहीं देने होते हैं। 6 मंथ्स की लास्ट में प्रॉपर इंटर्नशिप होती है, अदरवाइज एक एक साल में दो तीन महीने की हमारी ट्रेनिंग होती थी। साथ में बात करती हूँ फैसिलिटीज की, बसेस की फैसिलिटीज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। लाइक छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उसमें भी कॉलेज की बसेस जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी डिफिकल्ट वर्क नहीं है, आना जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। एंड स्टॉपेज है, प्राइवेट बसेस वहाँ पे रुकती हैं, हाँ PRTC नहीं रुकती हैं भाई, कभी 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 रुक भी जाती हैं, सो उसका थोड़ा सा इशू। ओके, मूविंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वैसे बहुत अच्छी है कॉलेज की, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, बट एक मुझे बात अच्छी नहीं लगती है कि ये ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने पास ताकि बच्चा माइग्रेट ना कर जाए किसी और कॉलेज में, या फिर हमारा कॉलेज छोड़ के ना चला जाए, तो वो उनकी सेफर साइड होती है। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लॉ कॉलेज भी है जो कि 8-10 किलोमीटर आगे है, उसमें भी बसेस की प्रॉपर फैसिलिटी है। मेरे को तो वैसे भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ही माना जाता है, बट वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है, बट क्या है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वाले डिपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेटर है, बट वो इतना ज़्यादा ग्रोन अप नहीं है, इतना डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं। लाइक मैं तो पंजाब से ही थी, मेरा सिर्फ 1 घंटे का अप डाउन था। काफी स्टूडेंट्स हैं जो दूर से पढ़ने आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं, सो उनके लिए लाइक अच्छा है। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ लेनी है तो इट्स गुड। और हाँ, अगर आपको संगरूर वगैरह में नियर बाय PG मिल जाता है तो वो भी ओके है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, सिमिलर हो जाता है। बट PG में ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं इधर उधर जाना हो तो आपको फालतू में एप्लीकेशंस नहीं लिखनी पड़ती हैं। एंड गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, इधर उधर घर पे भी जाना हो तो प्रॉपर एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती हैं, कई बार घर वालों से भी बात करवानी पड़ती है। बट बॉयज़ के सीन में ऐसा नहीं है, बॉयज़ को थोड़ी सी लाइक फ्रीडम है, बोल सकती हूँ मैं, सो पार्शियलिटी। कैंटीन की अगर मैं बात करूँ, कैंटीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, हमारे नर्सिंग वाले डिपार्टमेंट की डिफरेंट है और आगे वाले डिपार्टमेंट की 2 कैंटीन्स बनी हुई हैं, एक नीचे बनी हुई और एक ऊपर AC हॉल में बनी हुई है वो, और अच्छा है सिस्टम। लाइक मैं ब्रिलियंट नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फूड में, ऐसा नहीं है, बट लाइक
काम चलाऊ मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं को करिकुलम एक्टिविटीज की बात करूँ तो वो होती रहती हैं, टेक फेस्ट होता है, यूथ फेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन होते हैं, कई बार जॉब प्लेसमेंट्स भी होती हैं बट नॉट दैट मच। तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है उसमें हो जाता है, लाइक वो बहुत अच्छा सिस्टम लगता है मुझे। एंड उसके बाद आपको बैंक की भी फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में एक बैंक है होस्टलर्स के लिए और साथ में ATM बना हुआ है, अगर फीस डिपॉजिट करवानी है या फिर कैश निकालना है तो उससे आसानी से वो हो जाता है। तो अगर मैं फ्यूचर सिक्योर की बात करूं, दैट्स द मेन पॉइंट, आई डोंट थिंक इट्स दैट मच गुड, बिकॉज मैंने अब तक नहीं देखा किसी को कोई अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिली हो, ना तो मैंने नर्सिंग में देखा है और ना ही मैंने अदर डिपार्टमेंट्स में देखा है। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल की यूथ प्रेफर भी नहीं करती है क्योंकि सब कुछ, सब लोग फॉरेन जाना पसंद करते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे रहकर कुछ करना चाहते हैं। और उससे बेहतर अगर मैं बोलूँ तो आप चितकारा यूनिवर्सिटी से करें तो दी बेस्ट है, एक्सपेंसिव है बट आपका फ्यूचर सिक्योर है। सो आई प्रेफर द चितकारा यूनिवर्सिटी क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज सुने हैं। अगर आप उस साइड में हैं, अमृतसर या चंडीगढ़ वाली साइड हैं, तो आप चितकारा यूनिवर्सिटी चूज करें फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप इस एरिया में हैं तो इस एरिया का ये बेस्ट कॉलेज मैं बोल सकती हूँ, इस एरिया का समाना पटियाला संगरूर और पातना का। एंड अगर मैं बात करूँ BGIN मेरे भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की, इसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, GNM मिल जाएगा, ANM मिल जाएगा, पोस्ट बेसिक मिल जाएगा। इसका टोटल फीस स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए मान के चलो BSc नर्सिंग का लग जाता है, एंड PGs का आपको डिफरेंट खर्चा करना पड़ता है। बट एक अच्छी बात है हमारे कॉलेज में, डेली बेसिस पे ना हमें यूनिफॉर्म नहीं थी तो हम कैजुअल वेयर में जा सकते थे, जो कि लाइक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था हमें। हमारे साथ वाले कुछ नर्सिंग कॉलेज है, नेशनल हो गया, लाइफगार्ड हो गया, उसमें ना यूनिफॉर्म होती तो उसको देख के हम बहुत रिलीफ फील करते थे कि थैंक गॉड हमें नहीं है यूनिफॉर्म डेली बेसिस पे। बट हाँ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स वगैरह में तो हमें पहन के जानी पड़ती। एक और बात, एज कम्पेयर टू अदर नर्सिंग कॉलेजेस में ना आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बट हमारे कॉलेज में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है भाई। मैं बोल सकती हूँ कि ये बेस्ट कॉलेज है नर्सिंग के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट्स का तो देखो कहीं भी कोई भरोसा नहीं होता है। अगर आप कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वी कैन से दैट सिक्योर है फ्यूचर, बट प्लेसमेंट्स का कहीं भरोसा नहीं है, तो आप बेटर है ना कुछ अच्छे कॉलेज से करें जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हो। स्ट्रिक्टनेस है, स्टडी भी है, बहुत हद तक हमने इंजॉय किया है, एंड बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनसे तो बहुत बेटर लाइफ जी है हमने हमारे कॉलेज टाइम में। सो आई कैन से दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिस एरिया। अगर आपको BSc नर्सिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर कोई एग्जाम के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी है तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू था क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना रिव्यू बताइए नर्सिंग के लिए कैसा है, बीटेक के लिए कैसा है। अगर मैं नर्सिंग की बात करूं, दी बेस्ट है आई हैव टू से, बट बीटेक में BCA MCA वो मैं कोई आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूं क्योंकि मैंने आज तक कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं सुना है। मैं सिर्फ नर्सिंग के बारे में आपको बता सकती हूं, बट इट्स ओके, जितना भी मैंने सुना है मुझे ओके लगता है। इंजीनियरिंग वगैरह के लिए नॉट दैट मच गुड, नर्सिंग के लिए तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि अच्छा है भाई, ठीक है, बाकी कॉलेजेस से ठीक है। जब हम स्टडी करते थे तो लगता था कि ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, बट अब पता लगता है लोगों को सुन के कि हमने कैसी लाइफ जी है और अलग जो बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसी लाइफ जी है, तो डिफरेंस पता लगता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज, आई विल सी यू रियली सून, बाय बाय।